हेलो दोस्तों, तो इस वक्त बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पर चल रही हैं बेसिकली तीन मूवीज, पति पत्नी और वो पानीपत और कमांडो 3। तो गाइस कल के दिन यानी कि मंडे को सबसे ज़्यादा बिजनेस किसने किया है, किसने कितना बिजनेस किया है और अब जो उनका टोटल हुआ है वो कितना हुआ है, उसके अलावा एक दो और भी बातें आपसे डिस्कस करनी है। तो गाइस देखते हैं फटाफट से। तो गाइस सबसे पहले आज ही छपाक ये फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और मेरे को ये फिल्म का ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा है। आई थिंक 10 जनवरी को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और 10 जनवरी को आई थिंक अजय देवगन की भी फिल्म ताना जी रिलीज़ हो रही है। बट गाइस मैं पर्सनली, मेरे को ये वाली फिल्म का ट्रेलर ज़्यादा पसंद आया। मुझे इसी तरह की मूवीज़ ज़्यादा पसंद होती हैं, इमोशनल वाली, और आई थिंक ताना जी जैसी मूवीज़ बहुत आती रहती हैं आजकल, तो साउथ में भी बनती रहती हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी मूवीज़ बॉलीवुड में तो यार बिल्कुल ना के ही बराबर आती हैं। तो गाइस मैं तो ये वाली मूवी डेफिनेटली देखने वाला हूँ। तो गाइस आपको ये फिल्म का ट्रेलर कैसे लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस यहाँ पर कमांडो 3 के बारे में बात कर लेते हैं। बजट है इसका 30 करोड़, पहले वीक में कमाए 29 करोड़, इस फ्राइडे को 37 लाख, सैटरडे को 51 लाख, संडे को 78 लाख और मंडे को 31 लाख। अभी तक इस फिल्म ने टोटल कमा लिए 31 करोड़ 21 लाख रुपये। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पानीपत फिल्म की। इसका बजट 75 करोड़ रुपये के आसपास बताया जा रहा है। फ्राइडे को इस फिल्म ने कमाए 4 करोड़ 12 लाख, सैटरडे 5 करोड़ 78 लाख, संडे 7 करोड़ 78 लाख और ये कल के दिन मंडे को 2 करोड़ 59 लाख रुपए इस फिल्म ने कमाए हैं। हालांकि डेफिनेटली मंडे को कमाई कम होती है, लेकिन संडे, अगर हम फ्राइडे मतलब वीकेंड के हिसाब से मंडे को कंपेयर करें तो ठीक ही है। 2 करोड़ 59 लाख रुपए अर्जुन कपूर को देखते हुए इस फिल्म ने टोटल कमाई कर लिया 20 करोड़ 27 लाख रुपए। इसके बाद दोस्तों पति पत्नी और वो जो कि काफ़ी बढ़िया चल रही है, इसका बजट 40 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड है। फ्राइडे को इस फिल्म ने कमाई 9 करोड़ 10 लाख, सैटरडे 12 करोड़ 33 लाख, संडे 14 करोड़ 51 लाख। अगर हम संडे की तुलना में देखें तो 3 गुना मतलब 33% ही रह गया है कलेक्शन, यानी कि 15 करोड़ से सीधा 5-6 करोड़ पे आ गया है। तो गाइस यहाँ पर पति पत्नी और वो टोटल 41 करोड़ 64 लाख रुपये कमा चुकी है और मुझे लगता है इजीली ये 50 करोड़ तो क्रॉस कर ही लेगी, पहले ही हफ्ते में कर लेगी। तो गाइस ये था आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।